हेलो नमस्कार सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं होंडा सिटी के हैचबैक वर्जन की, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हो, होंडा सिटी अपने सेगमेंट में यानी सेडान सेगमेंट में हमेशा लीडिंग पोजिशन पर रही है और ये गुड पोजिशन डिजर्व भी करती है। बाकी अगर देखा जाए तो होंडा की सिर्फ एक यही गाड़ी है इंडिया में जिसकी सेल्स हमेशा अच्छी बनी रहती है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आने वाले कुछ समय में होंडा सिटी का हैचबैक वेरिएंट लॉन्च कर सकती है और ऐसा भी माना जा रहा है कि इसे होंडा जैज का रिप्लेसमेंट माना जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं अगर इसे इंडिया में लॉन्च किया गया तो इसमें क्या क्या फीचर्स मिल सकते हैं, और आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन कौन से फीचर्स इसमें दिए जाने चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके एक्सटीरियर लुक्स की। तो इसमें आपको होंडा सिटी की तरह ही प्रोजेक्टर हेडलैम्प, फ्रंट ग्रिल, ORVM विद टर्न इंडिकेटर्स मिलेंगे। और वैसे देखा जाए तो ये एक्सटीरियर में फ्रंट से पूरी तरह होंडा सिटी की तरह ही लगने वाली है। और जैसा कि एक हैचबैक वर्जन होने वाली है तो इसमें आपको मेन चेंजेस रियर में देखने को मिलेंगे। इसका रियर लुक बिल्कुल रिफ्रेश और नया होगा, हालांकि टेल लैंप्स का डिजाइन सेम रखा जा सकता है। बाकी रियर इमेज में आपको ड्यूअल टोन बम्पर, शार्क फिन एंटीना, रियर स्पॉइलर वाइपर दिए जाएंगे। ओवरऑल इसका रियर लुक वेल प्रोपोर्शन लगने वाला है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इंटीरियर्स की। तो इसका इंटीरियर भी कुछ हद तक आपको होंडा सिटी की तरह ही लगने वाला है। बाकी कुछ फीचर्स जैसे न्यूली डिजाइन सॉफ्ट टच डैशबोर्ड, 9 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 7 डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर एसी वेंट्स जैसे फीचर्स इसमें ऑफर किए जाएंगे। ओवरऑल इसका इंटीरियर आपको होंडा सिटी की तरह ही प्रीमियम फील होगा। अब बात कर लेते हैं इसमें मिलने वाले इंजन की। तो इंटरनेशनल मार्केट में तो इसमें 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है जो 122 PS की मैक्सिमम पावर जनरेट करता है। बट अगर इसे इंडिया में लॉन्च किया जाएगा तो इसमें आपको 1.5 लीटर पेट्रोल एंड 1.5 लीटर डीजल टर्बो इंजन दिए जा सकते हैं। ये दोनों ही इंजन आपको 5 स्पीड मैनुअल एंड 5 स्पीड AMT एंड CVT गियरबॉक्स के साथ दिए जाएंगे। अब अगर आखिर में प्राइस की बात करें तो देखिए इसके प्राइस के बारे में अभी कुछ कहना बहुत मुश्किल है, बट एक आइडिया के अनुसार इसे इंडिया में 7 से 11 लाख रुपए के बीच लॉन्च किया जा सकता है, जो एक हैचबैक वर्जन के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा प्राइस है। तो दोस्तों क्या लगता है आपको, इसे होंडा जैज की जगह इसे रिप्लेस किया जाना चाहिए? अपनी राय आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो इसी के साथ टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।